क्रांतियों में तीन प्रकार का विवेक प्रचलित है, एक कार्य कारण विवेक, एक दृष्टादृश्य विवेक, ऐसा एक व्यष्टि समष्टि विवेक, तीन प्रकार का विवेक प्रचलित है। आपको बहुत सीधा, वैसे तो मैं अपनी जान में बहुत सरल करके ये बात बताता हूं, कि एक चीज विषय है, मालूम पड़ती है बाहर, और एक वो है जिसको मालूम पड़ता है, इसको बोलते हैं विषय और विषयी। विषय हो गया बाहर, विषिणवंती इति विषया, जो हमारे मन को अपने साथ बांध लेती हैं, उन वस्तुओं का नाम विषय है। सिंह बंधने विषिणवंती, उनका नाम विषय है, और जो बंधता है उसका नाम विषय है। हम दुनिया में देखते हैं ये सुंदर है, ये स्वरूप है, कुरूप है, महत्वपूर्ण है, उसके साथ हम बंध जाते हैं। अब दूसरा देखो कि जो विषय है वो अनित्य है और जो विषयी है वो नित्य है। दुनिया की चीजें बदलती रहती हैं और मैं एक ही रहता है। यह परिभो यह वह तू सब परिवर्तनशील है और मैं एक रहता है, नित्य है। और तीसरी बात देखो विवेक में, जो परिवर्तनशील है वो अपने अभाव के अधिष्ठान में दिख रहा है, जहां नहीं है वहां दिख रहा है, जिस प्रकाश में नहीं है उस प्रकाश से दिख रहा है, जिस अधिष्ठान में नहीं है उस अधिष्ठान में दिख रहा है, तब अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में होने से वो मिथ्या होता है और अपना आत्मा सत्य होता है, क्योंकि इसका प्रकाशक कोई दूसरा नहीं है, स्वयं प्रकाश है और यही सर्वाधिष्ठान है। अब देखो ये आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, तो इसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। तो विवेक में ये विषय है, मैं विषयी हूं, ये अनित्य है, मैं नित्य हूं, ये मिथ्या है, मैं सत्य हूं और मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं। ये चार भूमिका आप विवेक की चार भूमिका बना लें, तब आप देखेंगे कि आपके मन में वैराग्य आएगा। आप ईश्वर से प्रेम कीजिए, ये दुनिया की सब चीजें छूट जाएंगी, छूट जाएंगी। विवेक का फल है वैराग्य। वैराग्य माने किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। वैराग्य माने दुश्मनी नहीं, वैराग्य माने नफरत नहीं, वैराग्य माने घृणा नहीं, वैराग्य माने द्वेष नहीं, वैराग्य माने दुनिया में किसी के दोस्ती के फंदे में न फंसना और किसी से दुश्मनी के फंदे में न फंसना। दुश्मन भी उलझा के मार डालते हैं और दोस्त भी उलझा के मार डालते हैं, तो वैराग्य शब्द का अर्थ होता है राग द्वेष की शिथिलता। हमारे जीवन में राग और द्वेष बहुत कमजोर हो जाने चाहिए, प्रबलता आत्मशक्ति की होनी चाहिए, राग द्वेष की नहीं। तो ये कैसे होता है? ये होता है विवेक से, विवेक से वैराग्य होता है। अब वैराग्य के लिए एक बहुत बढ़िया बात, बड़ी सीधी सी,
आप अपने मन से परमेश्वर को पकड़ लीजिए, भगवान को परमेश्वर को बदलते मत रहिए। हम लोग, मैं जब वहां था ना कल गीता प्रेस में, बहुत पुरानी बात है, माने सन 41 से पहले की ही बात है, बात की तो है ही नहीं। तो चिट्ठियां आती थी, मैंने बहुत दिनों तक साकार का भजन किया, कुछ नहीं हुआ। अब मैं निराकार का भजन करना चाहता हूं, मुझे विधि बताइए। अब निराकार का भजन करते करते हमको बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, अब तो हम साकार का ही भजन करना चाहते हैं, हमको उसकी विधि बताइए। ऐसी चिट्ठियां आती थी, और अधिकांश चिट्ठियों का जवाब हम लोगों के सिर पड़ता था। तो एक चिट्ठी के जवाब में ऐसा लिखा कि तुम्हारे मन में कोई वासना है, उस वासना को बिचारा निराकार पूरी नहीं कर सकता है, इसलिए अब तुम उसको छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हो। कोई न कोई वासना तुम्हारे मन में जरूर है, वो साकार से पूरी नहीं होती है तो निराकार से करना चाहते हो, निराकार से पूरी नहीं होती है तो साकार से करना चाहते हो, इष्ट बदलने का क्या कारण है? लो, आप ध्यान दो, इष्ट बदलने का तो कोई कारण ही नहीं है सिवाय वासना के। तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर के एक रूप में जब हम निष्ठावान हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, अविचल हो जाते हैं, तब दूसरी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। और स्थिरता नहीं आवेगी, बदलते रहेंगे, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने सुनाया था, एक थे महात्मा, वो गंगा किनारे फर्रुखाबाद के पास कहीं रहते थे। तो वो घूमते फिरते गंगा किनारे आए, देखा एक बड़ का बड़ा भारी पेड़ है, तो उन्होंने कहा बस अब तो यहीं रहेंगे। और उन्होंने ये नियम बनाया कि बरगद की छाया सुबह शाम जितनी दूर में जाती है उतनी भूमि के भीतर रहूंगा, उससे बाहर नहीं निकलूंगा। तो न वृंदावन न काशी न हरिद्वार, ये क्षेत्र संन्यास कहां हुआ उनका? एक बड़ के पेड़ के नीचे। मैंने पूछा इससे क्या फायदा? और मैंने महाराज से पूछा क्या फायदा, तो बोले बड़ा फायदा है, गांव में सिनेमा होता होगा तो देखने के लिए नहीं जाएंगे, छूट गया है। गर्मी पड़ेगी तो बढ़ के नीचे रहेंगे, सर्दी पड़ेगी तो बढ़ के नीचे रहेंगे, बरसात होगी तो बढ़ के नीचे रहेंगे, गर्मी सर्दी सब सहेंगे ना वहां है। कोई चार बार गाली दे जाएगा तब भी वहीं, और कोई तारीफ कर जाएगा तब भी वहीं, समता तो आवेगी ना, सहिष्णुता आवेगी, समता आवेगी, त्याग आवेगा। अपने मन से क्या खाएंगे, कभी कोई रोटी दे जाएगा तो वहीं खाएंगे, ऑर्डर देके तो भोजन नहीं बनवाएंगे ना। जो मौज होगी कोई लाके वहीं पहुंचा देगा, वही खाएंगे, जो देगा वही पहनेंगे, है ना, गर्मी सर्दी सहेंगे, दूसरों के साथ रिश्तेदारी नातेदारी करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। एक बड़ का पेड़ और उसकी शरण लेने से, उसके प्रति निष्ठावान होने से, जब मनुष्य के अंदर इतने सद्गुण आ जाते हैं तो परमेश्वर के प्रति निष्ठा जो कि अंतर्यामी हमारे हृदय में है, अपने आत्मा के प्रति निष्ठा जो कि अपना आप ही है, यदि उसमें निष्ठा हो जाए तो मनुष्य के अंदर कितने सद्गुण आ जाएंगे, कितना वैराग्य हो जाएगा, ये आप देखो।
असल में विवेक के साथ जब निष्ठा जुड़ती है तब वैराग्य अपने आप ही आता है। वो फिर महाराज बड़े भारी सिद्ध महापुरुष हुए, बरगदिया बाबा के नाम से, बरगदिया बाबा के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। फर्रुखाबाद जिले में गंगा के किनारे उस बड़ के नीचे वो आए और बिना, है ना, बिना किसी खास साधना के केवल बड़ वृक्ष के प्रति, बट वृक्ष के प्रति निष्ठावान होने के कारण उनके अंदर एक फक्कड़ में, फकीर में जो सद्गुण आने चाहिए वे सब के सब आ गए। तो असल में विवेक के साथ निष्ठा की भी आवश्यकता होती है, तब जीवन में आता है वैराग्य। और वैराग्य माने केवल कथन मात्र नहीं। अच्छा, आप कभी सोचते हैं भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कब होगी, कब होगी? परंतु ये शायद रूप रेखा आपके मन में नहीं बनी होगी कि हम कृपा कब समझेंगे भगवान की। देखो ऐसे सोचो ना कि जिस दिन हमारे हाथ में माला आ जाएगी भगवान के नाम की, उस दिन हम समझेंगे कि भगवान की कृपा आई। जिस दिन हमें कान से कथा सुनने को मिलेगी का उस दिन हम समझेंगे कि भगवान की कृपा आई। जिस दिन हम राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे उस दिन समझेंगे कि भगवान की कृपा आई। माने जिन भावों पर आप आस्था रखते हैं उनको आकार देने में आपकी बुद्धि काम करती है कि नहीं? तो वैराग्य आया इसको कैसे समझेंगे? वैराग्य है एक भाव और उसकी होती है एक सकल सूरत। नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं? कि जब मन में आवे शांति, मन में शांति बनी रहे, बोले वैराग्य है। वैराग्य न होता तो मन में शांति आती ही कैसे? इंद्रियों की चंचलता कम हो जाए और ये करें ये करें, ये जो हातिम ताई है, ये करें ये करें, काय को। अच्छा, मन में जब संशय आवे तो समझना कि वैराग्य नहीं है, क्योंकि स्वार्थी आदमी के मन में ही संशय ज्यादा आता है। वैराग्य के मन में उसका नुकसान ही क्या है? वैरागी का कभी, विरक्त का कभी कोई नुकसान होता ही नहीं है। जिसका दुनिया में सबसे वैराग्य कोई छीन लेगा, जिससे हमारा वैराग्य था उसी को तो छीन लेगा ना। तो श्रद्धा है और प्रतीक्षा, कोई सुख दुख आया, अरे शरीर ये रहे कि दूसरा रहे, क्या होता है? ये है कि शरीर के द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। तो उसको कैसे वैराग्य, वैराग्य माने क्या? का हमारे जीवन में शांति रहे, हमारी इंद्रियां चंचल न हो, हमें कर्म विक्षेप अधिक न हो, गुरु शास्त्र पर श्रद्धा बनी रहे, संशय न हो और सुख दुख का सहन हो और मन में समाधान हो, समाहित हो मन। बिना मन समाहित हुए शक्ति की, उस शक्ति की वृद्धि नहीं होती जिससे तत्व ज्ञान होता है। तो ये छहों बात कहां से आती है? कि ये छहों बात वैराग्य से आती है। अच्छा, फिर अब आगे का प्रसंग आपको कल। कभी धड़कन तेज चलती है तब आप उधर देखो, भूतम यथा यह साक्षात गुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवात्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् मूर्तये।
यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहज शुचिकथा ब्रह्म विद्या नवत्या ध्यानम् सर्वात्मभानम् स्थिरचरहितकृच्छेमुषी शान्तिभूषा आश्चर्यम् चारुचर्या जननयनमनो मोहनी मुक्तवर्या तम् पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुममृतमृतम् ब्रह्ममूर्तम् प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मोक्ष ये हैं साधन। इनसे प्रमाण उज्ज्वल होता है, प्रमाण निर्मल होता है। और प्रमाण माने आंख कान ये नहीं, प्रमाण माने हृदय में ब्रह्म विद्या वृत्ति। तो ब्रह्म विद्या वृत्ति तो प्रमा है, इसलिए उसकी उत्पत्ति में जो हेतु है तत्त्वमस्यादि महावाक्य उसको प्रमाण कहते हैं। कई लोगों को साधन में अच्छी रुचि होती है। एक सज्जन आए, यहां बैठे हों कि न बैठे हों, बोले कि महाराज ब्रह्म ज्ञान की बात सुनते हैं समझते भी हैं, हमको तो कुछ काम बताओ कि करें क्या। ऐसे ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान समझते हैं, परंतु हमको तो क्रिया योग बताओ कि हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करें। अच्छे व्यापारी हैं, समझ भी अच्छी है, जब करोड़ों का लेन देन किया तो समझ तो अच्छी होगी। तो मतलब ये कि मनुष्य के मन में केवल समझ से संतोष होए इसकी भी एक स्थिति होती है। जिसकी विषय पर आस्था है, भोग मिलेगा तब हम सुखी होंगे, वो केवल समझ से सुखी कैसे हो सकता है। जिसकी संग्रह में आस्था है, उसको जब तक संग्रह करने को कुछ नहीं मिलेगा तब तक संतुष्ट कैसे होगा। जिसकी क्रिया में आस्था है, वो जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक उसको संतोष कैसे होगा। तो मांग ऐसी होती है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए हम कुछ करें। बौद्धों ने जो केवल भावनात्मक पंचशील रखा, या जैनों ने केवल भावनात्मक अणुव्रत रखा, अणुव्रत तो बौद्ध लोग पंचशील बोलते हैं और जैन लोग अणुव्रत बोलते हैं। उनके ग्रंथों में इसका बहुत वर्णन है। योग दर्शन में इसको यम कहते हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। आज तो देखो भाई, बच्चू भाई आके पर्दे के भीतर बैठते हैं,
बहुत दिनों के बाद दर्शन दे दो ना लोगों को, देख ऐसा क्या ऑपरेशन करवाया हुआ था, आने लायक नहीं थे, जानबूझ के ना आए हो सो बात नहीं है, अब ठीक ठाक हो गए, खुशी की बात। पहले ये देखो, वाह वाह वाह, कुर्सी पे बैठो। अच्छा, बहुत दिन के बाद आए तो ये सत्य अहिंसा अस्ते हमारे योग दर्शन में भी अंतरंग हैं और नियम बहिरंग है। तो देखो कैसा समन्वय हुआ, एक यम और एक नियम। नियम में पवित्रता के नियम हैं, स्वाध्याय के नियम हैं, ईश्वर प्रणिधान के नियम हैं, तपस्या के नियम हैं। तो वो नियम तो करने के होते हैं और यम अंतरंग हृदय में रहता है, तो बहिरंग और अंतरंग का समन्वय हो जाता है यम और नियम में। और उधर पंचशील है, उधर अणुव्रत है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने इसको और व्यावहारिक रूप से लिया, तो उन्होंने विवेक का एक अर्थ तो किया कि हम लोग जो भोजन करते हैं उससे हमारा मन बनता है, तो हमारा खाना पीना बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ये विवेक का अर्थ है। जो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है या अनुशासन के अनुकूल नहीं है, उसको जब आप नहीं छोड़ सकते, उसको छोड़ने का सामर्थ्य आप में नहीं है, तो मन में जो बुराई घर करके बैठी है उसको कैसे छोड़ सकते हैं। वस्तु को तो उठाकर फेंक दिया जा, एक बार जोश में आकर फेंक दे तब भी छूट जाए, और मन में जो बुराइयां हैं वो कैसे छूटेंगे। तो देखो ये आचार्य की कितनी बुद्धिमत्ता है कि वो कहते हैं तुम विचार करो कि क्या खाते पीते हो, किम्नु में पशुभिः तुल्यम् किम्नु में साधुभिः समम्। क्या हम पशुओं के समान वासना के वश में होकर खाते हैं, और किम्नु सत्पुरुषैः समम्, और क्या हम सत्पुरुषों के समान विचार पूर्वक खाते पीते हैं। ये छोड़ना तो बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा कि जिसको विवेक तो है परंतु विवेक करके बुरे को छोड़ने की शक्ति नहीं है और अच्छे को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, उसका विवेक तो बांझ गया, बंध विवेक, वो विवेक ही बांझ है। जहां समझते तो हैं कि ये खाना नहीं चाहिए और फिर भी खाने के समय वही खाते हैं, ना समझे हुए को भी खाते हैं, माने विवेक उनका निरर्थक गया, बांझ हो गया। तो उन्होंने कहा विवेक के साथ विमोक की शक्ति भी होनी चाहिए, और दूसरा साधन है उनका विमोक, छोड़ने की शक्ति होनी चाहिए। और क्रिया योग के द्वारा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, और जो अपने कल्याण के साधन हैं उनका अभ्यास करना चाहिए, और दुनिया की किसी वस्तु परिस्थिति के मिलने पर हर्ष से पागल नहीं हो जाना चाहिए, हर्ष पर भी नियंत्रण रखना चाहिए।
और किसी परिस्थिति के प्राप्त हो जाने पर शोक से दब नहीं जाना चाहिए, अपने आप में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। ये सात साधन श्री रामानुजाचार्य महाराज ने विवेक विमोख क्रिया कल्याण अभ्यास अनवसाद अनुद्धर्ष ये सात साधन रामानुजाचार्य ने माने हैं कि ये प्रत्येक साधक को अपने जीवन में धारण करने योग्य हैं। जो मन में आया वही करोगे, जो मन में आया वही भोगोगे, जो मन में आया वही बोलोगे, जो मन में आया वही इकट्ठा कर लोगे। तो आपने राह चलते पागलों को तो कभी देखा होगा कि नहीं, वो कागज इकट्ठे करते चलते हैं, वो फटे हुए चीथड़े जो पड़े होते हैं तो उनको इकट्ठे करते हुए चलते हैं। भले आप शरीर से बहुत समझदार मालूम पड़ते हों, परंतु मन से तो पागल ही माने जाएंगे ना। जैसे वो कपड़े का चीथड़ा इकट्ठा करता फिरता है, फटे हुए कागज गंदी चीजें अपनी झोली में इकट्ठा करता चलता है, वैसे ही तो माने जाएंगे ना। मन की परिस्थिति तो ऐसी ही है। तो विवेक को अपने जीवन में क्रियान्वित करने की शक्ति चाहिए। अच्छा, अब कई लोगों का ये आग्रह होता है कि मन में आवे ही नहीं, है ना। एक अशक्य सी बात जो उनके काबू में नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, मन में आवे ही नहीं। ये तो देखो, जब जीवन रस की उत्पत्ति होती है तो धड़कन चलने लगती है। भले आप प्रयत्न करके उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो, परंतु वो मृत्यु पर्यंत शरीर में चलती रहती है। ये जो बंद करने वाली बात है, कोई बुरा न माने तो हम कही दें, है ना। उसकी एक ट्रिक होती है जिससे धड़कन चलना मालूम नहीं पड़ता है, गृहित नहीं होता है, नहीं तो वो चलती रहती है। यदि वो चलती नहीं रहे तो जीवन सूख जाता है। वही तो रक्त पहुंचाती है सारे शरीर में, परंतु हम धड़कन का तो वर्णन नहीं कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं मन की धड़कन का। हो मनस्पंदित, मनस्पंदित जो है ये जीव है, ये ईश्वर है, ये विक्षेप है, ये समाधि है। समाधि मन की एक स्पंदित अवस्था ही है, स्पंद बीज है अथवा स्पंदित अवस्था है। सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के क्षण से लेकर वो अनादि है, और जब तक लिंग भंग नहीं हो जाता, माने विदेह मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक मन स्पंदावस्था में रहता है, वो चलता रहता है, उसमें कुछ न कुछ आता रहता है। ब्रह्म भी उसी में आता है, समाधि भी उसी में आती है, ईश्वर भी उसी में आता है, जीव भी उसी में आता है, शांति अशांति भी उसी में आती है। सबीज निर्विकल, सबीज निर्बीज, सकल सविकल्प निर्विकल, सब मन का स्पंदन है, एक मन का उल्लास है। उसी में मालूम पड़ता है कि घंटे भर हमारी समाधि लगी, उसी में मालूम पड़ता है कि हमारे मन में बहुत विक्षेप है। ये मन का एक खेल है। तो देखो, धड़कन की ओर से आप इतने बेफिकर हो कि वो चलती रहती है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। और चलती रहती है,
ऐसे मन भी चलता रहता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। जब कभी धड़कन तेज चलती है तब आप उधर ध्यान देते हो, या कम होने लगती है तो डॉक्टर लोग ध्यान देते हैं। ऐसे मन भी स्पंदित होता रहता है, उसमें संस्कार के अनुसार क्या कुछ आता रहता है, क्या कुछ जाता रहता है। आप यदि मनस्पंदित को बंद कर देंगे, मन की हलचल को, मन के ईषत चलन को, उसके शांति भाव को, अशांति भाव को, स्थिति भाव को यदि बंद कर देंगे, तो वो बंद होना भी मन का एक भाव होगा, मन का एक स्पंदन होगा। ऐसी स्थिति है। तो वेदांतियों ने इसके लिए दो युक्ति निकाली है। एक तो कहते हैं पहले मन में शक्ति विशेष का उदय हो, खास तरह की ताकत पैदा हो उसमें। तो वो कैसे? तो वो धर्म से, उपासना से, योगाभ्यास से एक मन में विशेष शक्ति का उदय होता है। और वो विशेष शक्ति ये है, उसका फल ये है कि अपनी असंगता का बोध हो, और असंगता का बोध होने से हम उसको छोड़ सकें। परंतु इतने से ही वेदांत का काम नहीं होता। वेदांत असंगता का बोध वेदांत नहीं है, साक्षिता का बोध वेदांत नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप का बोध वेदांत नहीं है, आत्मा का बोध वेदांत नहीं है। वेदांत है आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध। तो फिर अब आप आओ लौटे हमें, विवेक के अनुसार आचरण करने की शक्ति तब आती है जीवन में जब संसार के पदार्थों से हमारा वैराग्य हो। जहां दृढ़ राग होगा, राग रहे परंतु इतना राग न रहे कि उसका पक्षपात करके आप अन्याय करें, बेईमानी करें, चोरी करें, और राग तो होता है। आपने वाल्मीकि के बारे में सुना है ना? वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, और उन्होंने एक दिन सप्तर्षियों को बांध दिया पेड़ से कि अपना दंड कमंडल सब हमको देखे जाओ। उन्होंने पूछा कि भाई मेरे, हम दंड कमंडल तो तुमको दे दें, हमारे पास फिर आ जाएगा, लेकिन इससे जो तुमको पाप होगा वो अकेले तुम ही भोगोगे कि जिनके लिए तुम ये दंड कमंडल छीन रहे हो वो भी भोगेंगे? बोले सब भोगेंगे। जब इसमें सब हिस्सेदार हैं तो हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा भाई, हम डाका डालेंगे और उनको खिलावेंगे तो उनको भी पाप लगेगा, बांट बांट के हम लोग भोग लेंगे। तो सप्तर्षियों ने कहा जाके तुम पूछ आओ, हमको बांध दो, हम बंधे पेड़ से खड़े हैं, जाके तुम उनसे पूछ के आओ कि वो तुम्हारा ये डाका डाला हुआ पदार्थ खाएंगे तो सही, परंतु तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे कि नहीं। वो घर में गए तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है कि हमको खाना दो, कपड़ा दो, तुम कहां से लाते हो, इससे हमारा क्या मतलब? तो पाप तुम भोगना और खाना पीना जेवर कपड़ा हमारा। बेटे से पूछा, उसने भी यही कहा, भाई ने भी यही कहा, हम पाप के हिस्सेदार नहीं हैं, हम तो वस्तु के हिस्सेदार हैं। और इस पर वाल्मीकि को बड़ा वैराग्य हुआ, आके सप्तर्षियों को छोड़ दिया और उन्होंने उनको राम मंत्र का उपदेश किया। तो देखना यह है,
देखना यह है कि हम जो राग बस पक्षपात करते हैं, चोरी करेंगे हम, डाका मारेंगे हम, बेईमानी करेंगे हम, दूसरों का हक दबाएंगे हम, किसके लिए, तो इतना राग है, इतना राग है कि बोलेंगे कि हम भले बेईमानी चोरी करके नरक में पड़े लेकिन हमारे परिवार को खाना कपड़ा, खाना कपड़ा नहीं, संपदा, करोड़ों की संपदा प्राप्त हो। तो नारायण, ये राग का निषेध नहीं है शास्त्र में, हम राग को बुरा नहीं मानते, राग तो अच्छा है, सबसे प्रेम कीजिए, परंतु इतना राग जिसमें पक्षपात करके हम दूसरों के साथ अन्याय करते हैं और अपने परिवार और मित्रों की भलाई के लिए बुरे काम करते हैं, इतना राग नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैराग्य में द्वेष भी थोड़ा रहे, द्वेष की मनाही नहीं है, शिथिल राग द्वेष, ये शब्द हैं संस्कृत भाषा के। किम नाम वैराग्यम, वैराग्य माने क्या होता है, हैं? का अदृढ़ राग द्वेषवत्वा, अदृढ़ अदृढ़ द्वेष, किम नाम विरक्तत्वम, का अदृढ़ राग द्वेषवत्वम, अदृढ़ राग द्वेषो वैराग्यम। वैराग्य क्या है, का जिसमें दृढ़ राग द्वेष ना हो। अब द्वेष का आप किसी से द्वेष कर लेते, हो जाता है कभी कभी, आ जाने दीजिए, परंतु इतना द्वेष कि वो हिंसा पर व्यवसायी हो जाए, उसको मारने के लिए चले जाए, उसकी वस्तु छीन ले, उसको नुकसान पहुंचा दे, इतना द्वेष नहीं होना चाहिए। वैराग्य शब्द में, वैराग्य शब्द में दृढ़ राग द्वेष न होना, माने राग द्वेष की शिथिलता वैराग्य का लक्षण है। ये शास्त्रकारों ने इस पर मीमांसा करके ठीक ठीक विचार करके निश्चय किया है कि वैराग्य माने राग द्वेष का अभाव नहीं, वैराग्य माने राग द्वेष की शिथिलता। अब आपको फिर सुनाते हैं, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक शक्ति का उदय नहीं होगा। अच्छा देखो, पेंडुलम हिलता है और घड़ी की सुई घूमती है, ये क्या हुआ, ये क्रिया के द्वारा सुई का संचालन हुआ, क्रिया के द्वारा। और बैटरी लगाई घड़ी में तो क्रिया के द्वारा नहीं हुआ, शक्ति के द्वारा संचालन हुआ। और पावर हाउस की बिजली के साथ संबंध कर दिया तो ईश्वर के द्वारा संचालन हुआ। ईश्वर पावर हाउस है, उसकी शक्ति से घड़ी चल रही है, हमारे हृदय की घड़ी चल रही है, अपने कर्म की शक्ति है जिससे चल रहा है, कर्म करते जा रहे हैं चल रहा है, कर्म करते जा रहे हैं चल रहा है, ये पेंडुलम है बोला, और कर्म की शक्ति इकट्ठी हो गई है उससे चल रहा है, ये बैटरी है। और पावर हाउस ईश्वर के साथ हमारे हृदय का संबंध है, वही चला रहा है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेशे अर्जुन तिष्ठते ब्राह्मण सर्वभूतानी, हिला रहा है। धूप घड़ी बना के रखी हुई है और सूर्य की रोशनी में उसमें मालूम पड़ता है इतने बजे हैं, इतने बजे हैं, सुई नहीं चलती है, छाया चलती है, लो छाया चलती है और समय मालूम पड़ता है कितने बजे हैं, वो प्रकाश है, वो दृष्टा है, वो प्रकाश है, वो आभास है, परंतु वो प्रकाश केवल सूर्य पिंड का नहीं है, जो संपूर्ण विश्व का प्रकाशक है उसका प्रकाश है, ये ब्रह्म है। और वो ब्रह्म अपना आत्मा है,
ये वेदांत है। अपने आत्मा का ही नाम ब्रह्म है, ये वेदांत है। विवेक विमोक ये साधन का वर्णन हमारे वेदांत के ग्रंथों में आता है। शंकराचार्य भगवान ने चार बात ली केवल, परंतु चार बात में नौ बात है, ये बात तो आपके ध्यान में होगी होगी। विवेक वैराग्य, अब वैराग्य छह रूप में अपने साथ आता है। वैराग्य के छह विलास, विवेक का अवश्य अवश्यम भावी परिणाम है वैराग्य। जो ये समझेगा ये जहर है वो छोड़ेगा, जो समझेगा ये अमृत है ये पिएगा। जब जहर और अमृत का विवेक आपके मन में हुआ तो जहर छोड़ने की इच्छा होगी और अमृत पीने की इच्छा होगी। ये छोड़ने की इच्छा, दुर्गुण छोड़ने की इच्छा, सद्गुण ग्रहण की इच्छा, दोनों विवेक से उत्पन्न होते हैं। तो जब वैराग्य आता है, अभी हम ब्रह्मज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो जब साक्षात की चर्चा करते हैं तो दूसरी चीज है। यहां तक हो कि वेदांत के जो बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हुए हैं उनमें भामतीकार वाचस्पति मिश्र और अप्पय्य दीक्षित जो गृहस्थ वेदांती हैं, उनका ढंग दूसरा है, और शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य आदि जो सन्यासी वेदांती हैं उनके ढंग में फर्क है, शैली में फर्क है। तो उसमें भी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार पक्षपात होता है, उसमें भी बिना अभ्यास के बिना निधिध्यासन के वाचस्पति मिश्र ज्ञान नहीं मान सकते, और सुरेश्वराचार्य तो शब्द की अचिंत शक्ति से श्रवण मात्र से ज्ञान मान लेंगे, वाचस्पति मिश्र श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान होता है, निधिध्यासन से वाचस्पति मिश्र हैं, और सुरेश्वराचार्य हैं ये विवरण प्रस्थान सारा का सारा मानता है, श्रवण से तत्व ज्ञान होता है। विवरण प्रस्थान के आचार प्राय सन्यासी हैं ये लोग, और भामति प्रस्थान के आचार प्राय गृहस्थ हैं। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भी साधन की परिकल्पना हो जाती है, और वो ठीक है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं होता है। तो अब आप देखो वैराग्य, वैराग्य में से, वैराग्य तो एक बीज है जिसमें से छह अंकुर निकलते हैं। मन में अशांति का न होना सम है, तो अशांति भी एक बाहर का आलंबन लेने से अशांति मिटती है, और एक आधार का आलंबन लेने से अशांति मिटती है। इसके दो विभाग होते हैं, ये सब विवेक है। तो बाहर बहुत धन आ गया, बोले आज शांति मिल गई। हमारे एक मित्र हैं, वो कभी खीर खा लेते हैं, साधु हैं, तो कहते हैं बस ब्रह्मानंद का अनुभव आज हुआ है, बहुत दिनों के बाद हुआ, खीर खाया और ब्रह्मानंद आया। सेठ लोग होते हैं, पैसा आया, बोले हाँ आज हमारा ध्यान बहुत बढ़िया लगा है। ईश्वर में ध्यान लगता है, पर जिस दिन पैसा आता है उस दिन है ना, तो वो बाहर से जो शांति आती है ना, वो उधार की होती है, और भीतर से जिसमें शांति भास रही है, जिसको शांति भास रही है, जिसमें शांति भास रही है, उससे चित्त के अभिन्न हो जाने पर जो शांति आती है वो दूसरी है, जहां चित्त अपने आप को दिखाते ही नहीं। महाराज हजारों कोस दूर रहने पर भी मूड बिगड़ जाता है, ऐसी बात उसने क्यों कही, ऐसी बात उसने, एक आदमी ने आके कहा आपके बारे में
वे ऐसी ऐसी बात कर रहे थे सुनने को मिली हो। कब कर रहे थे? कब? 5-6 बरस हो गए। लो अब वो 5-6 बरस बाद उन्होंने पहले उन्होंने बात कही थी, वो दुनिया उनके मन से भी शायद निकल गई होगी, हैं? आसमान में उड़ती रही, उड़ती नहीं रही, कहने वाले के दिमाग में बैठी रही। उसने आके हमको सुनाया और हमारा तो मरा, हमारी तो धड़कन ही बढ़ गई। क्यों बड़ी? वो हमारे बारे में ऐसी बात बोलते हैं, हे भगवान 6 बरस पहले की बात और आज धड़कन बढ़ा रही है। तो ये जो बाहर से आ आके अशांति हमारे चित्त को विक्षिप्त करती है, उसको तो आप वैराग्य से काट दीजिए। कोई क्या कहता है, इससे क्या मतलब, तू तो राम भजो जग लड़वा दे। हाथी चलता अपनी चाल से, कुतवा भुकत वाको भुकवा दे, तू तो राम भजो जग लड़वा दे। अच्छा, भीतर की जो शांति है वो प्रतिबिंबित होती है शांत अंतकरण में। माने बाहर के निमित्त से शांत, माने बाहर के निमित्त से अप्रभावित रहता है जिस समय हमारा मन, उस समय आत्मा की जो शांति है वो मन में प्रतिबिंबित होती है। उसका नाम होता है सम। श्रीमद् भागवत में सम की यही परिभाषा की गई है, समो मनिष्ठता बुद्धे। बुद्धि बाहर की आस्था छोड़कर भीतर जो अंतर्यामी परमेश्वर बैठा हुआ है उसके ऊपर आस्था। आपको मालूम नहीं है या मालूम है? किसी को, किसी के लिए मालूम है, किसी के लिए नहीं। ऐसा भी हो सकता है। मैंने सुना था कहीं कि कोई सज्जन चुनाव सभा में बोल रहे थे, तो